नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। यह क्लास 4-5 की शिक्षक डायरी है। अब क्लास 4-5 में FLN नहीं चलेगा। FLN की जगह नई शिक्षक संदर्शिका आई है, जिसमें 42 डेज के रेमिडियल टीचिंग चलनी है। अब सिलेबस नहीं चलेगा, जैसे पहले FLN चलता था उसका सिलेबस भी चलता था, बट अब FLN के जगह रेमेडियल टीचिंग चलेगी, जो प्रथम संस्था के थ्रू ही एक नई शिक्षक संदर्शिका बनाई गई, जिसका ऑनलाइन PDF आ चुका है। अभी ऑफलाइन वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन विभाग के निर्देशानुसार रेमेडियल टीचिंग हम लोग को स्टार्ट कर देनी है। इसके मैंने शिक्षण योजना 1 और 2 में बता चुकी हूँ। अगर आप नए हैं तो आप इधर देख सकते हैं, यहाँ देखिए Day 1 का काम है, शिक्षण योजना 1 का ये है कार्य, इसको आप देख लीजिए क्लास 4 में। और क्लास 5 में ये शिक्षण योजना 2 का कार्य है, जो उपचारात्मक लिख के मैंने लिखा है। यहाँ देखिए ये Day 2 का कार्य है, शिक्षण योजना 2 का कार्य है क्लास 5 में। क्लास 4 में Day 2 का कार्य है, LO लिखा हुआ है, शिक्षण योजना के अनुसार है। और बाकी शिक्षक डायरी आज मैं आपको Day 3 शिक्षण योजना 3 जो रेमेडियल टीचिंग चलेगी उसकी क्या LO है उसके बारे में बताऊंगी, उस शिक्षण योजना के अनुसार क्या पढ़ाना है वो बताऊंगी। शिक्षण योजना 3 का LO है 4 अंक की संख्याओं को पढ़ने लिखने और विस्तारित रूप की समझ विकसित करना। ये क्लास 5 की गणित का है, ये LO कोड लिखा हुआ है। शिक्षण योजना 3 के अनुसार प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। स्थानीय मान कार्ड से सैकड़े तक की संख्या विस्तारित रूप तालिका द्वारा समझाएंगे और आकलन और अभ्यास कार्य करेंगे, जो शिक्षण योजना में कार्यपत्रक दिया है उसके अनुसार। क्लास 4 में शिक्षण योजना 3 Day 3 पर कार्य होगा। कविता के माध्यम से सुनने की अवधारणा, गणित किट ब्लॉक के माध्यम से ये समझाएंगे सुन की अवधारणाओं को, और दी गई संख्या को गोला बनाना है, जैसे 7 है तो इसमें गोला बनाना है, 0 है तो एक भी गोला नहीं, 4 है तो इसमें हम शून्य की अवधारणा ब्लॉक के थ्रू गणित किट के माध्यम से समझाएंगे। अब आ जाते हैं, देखिए क्लास 4 में इंग्लिश में ड्राइंग कंपटीशन दीक्षा ऐप से वीडियो पर चर्चा करेंगे, और हिंदी में क्लास 4 में रेमेडियल टीचिंग में Day 3 का है शिक्षण योजना 3 पर कार्य करना है। LO है परिवेशी पशु पक्षियों में चर्चा करना, कहानी सुनाना, शिक्षक द्वारा आदर्श पठन करना कहानी का। इसमें बिग बुक से हाथी और बकरी कहानी से चित्र पर चर्चा, कहानी का आदर्श वाचन और बच्चों से कहानी सुनेंगे जो भी पढ़ाएंगे। और क्लास 4 EVS का है पाठ 2 स्थानीय पेशे और व्यवसाय, प्रश्न उत्तर पर कार्य करेंगे। होमवर्क जो होगा शिक्षण योजना में लास्ट में गृह कार्य दिया है उसी के अनुसार बच्चों को गृह कार्य देंगे शिक्षण योजना के अनुसार। आ जाते हैं 7 तारीख के शिक्षक डायरी पे, रेमेडियल टीचिंग है क्लास 5 का है गणित का। Day 4 पे कार्य होगा, शिक्षण योजना 4 पे कार्य होगा। संख्याओं को अंकों एवं संदों में पढ़ने लिखने विस्तारित रूप में समझ विकसित करना। शिक्षण योजना के अनुसार प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो योजना में दी होगी। नाटक एवं खेल मुद्रा के द्वारा 1000 तक की संख्या को समझाएंगे। खेल के मुद्रा यानी कि रुपए का जो नकली नोट होता है उसके थ्रू जो मैथ्स किट में दिया हुआ है। स्थानीय मान कार्ड, संख्या कार्ड, अवधारणा बोर्ड, संख्या चार्ट, पर्चियों द्वारा समझ विकसित करेंगे। ये सब गणित किट में दिया हुआ है, उसी से शिक्षण योजना के अनुसार उस पर कार्य करना है। क्लास 4 में Day 4 शिक्षण योजना 4 के अनुसार चित्र के माध्यम से दहाई का ज्ञान, तीली और कंकड़ की सहायता से स्थानीय मान और ब्लॉक खेल खेल खिलाना। ब्लॉक खेल का मतलब छोटे छोटे ब्लॉक्स बना देंगे और कंकड़ फेंकेंगे, जो दहाई का जिसमें जाएगा उससे संख्या बनवाना है। यह FLN में भी हम लोग ने करा चुके हैं। क्लास 4 इंग्लिश ड्रॉइंग कम्पिटिशन है, पाठ का स्वतंत्र पठन कराएंगे, बच्चों पाठ को समझ के साथ पढ़ते हैं। अब हिंदी आइए देख लेते हैं। रेमेडियल टीचिंग में शिक्षण योजना 4 के अनुसार बातचीत करेंगे। तोता हूँ मैं तोता ससुर वाचन, खुले छोर के प्रश्नों पर चर्चा होगी। जो ये तोता हूँ मैं तोता हूँ खुले छोर का प्रश्न होता है कि उसके उत्तर बहुत एक से ज्यादा आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं, वो खुले छोर के प्रश्न शिक्षण योजना दिए हैं उसी के अनुसार कार्य करना है। इसमें बहुत शॉर्ट में लिख दी हूँ, शिक्षण योजना देख के ही आपको पढ़ाना है। क्लास 4 में EVS में पाठ 2 प्रश्न उत्तर पर कार्य, यहाँ LO है प्रश्न उत्तर पर कार्य करते हैं। शिक्षण योजना के अनुसार गृह कार्य, जो भी गृह कार्य देंगे वो शिक्षण योजना के अनुसार देंगे। अब आ जाते हैं मई सप्ताह संख्या 2
8 मई का है ये देखिए शिक्षण योजना 5 पे कार्य करेंगे, 42 दिन के 5वें दिन पे कार्य हो रहा है हमारा। एलओ है तुलना, बड़ी व छोटी संख्या में पैटर्न क्रम बनाना, आरोही अवरोही क्रम में लगाना। अब शिक्षण योजना में एक कहानी दी हुई है उसको सुनाएंगे और अवधारणा स्पष्ट करेंगे, फिर ठोस वस्तु ब्लॉक गणित किट की सहायता से आरोही अवरोही क्रम में लगाना। ब्लॉक्स को आरोही क्रम में लगाने को कहेंगे, फिर अवरोही क्रम में लगाने को कहेंगे। उसमें छोटे में चित्र के माध्यम से समझाया है तो बच्चों को प्रैक्टिकल करके हम दिखाएंगे। कार्यपत्रक द्वारा अभ्यास एवं आकलन करेंगे जो शिक्षण योजना में दी हुई होगी। गणित 4 वीक 1 डे 5 का शिक्षण योजना 5 पे कार्य करना है। तीली ठोस वस्तुओं द्वारा दहाई इकाई की समझ, ताली चुटकी गतिविधि कराएंगे, ताली दहाई मान लेंगे चुटकी इकाई मान लेंगे और जितना होगा बच्चों से करेंगे। फिर गिनती चार्ट की सहायता से विस्तारित रूप समझ एवं आकलन करेंगे। यहाँ पर येलो आप देख सकते हैं, ये येलो कोड पड़ा हुआ है। क्लास 4 के ड्राइंग कंपटीशन में क्वेश्चन आंसर पे कार्य होगा। फिर क्लास 4 के हिंदी के रेमिडियल टीचिंग में शिक्षण योजना 5 पे कार्य करेंगे। शिक्षण योजना अनुसार बातचीत, कविता पर प्रश्न, तुकांशत पर कार्य, कविता विधा में बच्चों का परिचय कराना, ईवीएस कार पुस्तिका प्रकार शिक्षण योजना अनुसार गृह कार्य। अब आ जाते हैं 9 पे, दिनांक 9 पे देखिए गणित के 6 दिन पे कार्य होगा। शिक्षण योजना 6 पे एलओ है बिना हासिल हासिल के साथ जोड़ना, 10 के गुणज में जोड़ना चर्चा करना, जैसे 10 में 10 जोड़ देंगे कितना आएगा, फिर 20 में 10 जोड़ देंगे तो 10 के गुणज में जोड़ने को कर देंगे बच्चों को। फिर तिल्ली बंडल चित्र चार्ट की सहायता से जोड़ की संबंध विकसित करना, 3 अंक के जोड़ का अभ्यास एवं आकलन, ये सारी चीजें शिक्षण योजना में दी हुई है। क्लास 4 में डे 6 पे कार्य होगा। शिक्षण योजना 6 पे शिक्षण योजना अनुसार प्रश्नों पर चर्चा होगी। स्थानीय मान कार्ड स्ट्रॉ तिल्ली से विस्तारित रूप स्थानीय मान की समझ विकसित करने पर कार्य, यहाँ येलो दिया है आप देख सकते हैं, येलो कोड दिया है। इंग्लिश में ड्राइंग कंपटीशन क्वेश्चन आंसर पर कार्य करेंगे। क्लास 4 हिंदी में रेमिडियल टीचिंग शिक्षण योजना 6 पे कार्य होगी। देखिए यहाँ साप्ताहिक आकलन दिया है 6 दिन में। एलो है पठन और लेखन अभ्यास के साथ पुनरावृत्ति का आकलन, ठीक है। शिक्षण योजना 6 के अनुसार आकलन एवं पुनरावृत्ति होगा कार्यपत्रक द्वारा जो शिक्षण योजना के अंदर दी हुई है। और क्लास 4 के संस्कृत में पाठ 2 वाक प्रयोग करेंगे, पाठ का आदर्श वाचन एवं अनुकरण वाचन। होमवर्क जो है शिक्षण योजना के अनुसार गृह कार्य देंगे। अब आ जाते हैं मई के 10 तारीख को, 10 मई का कार्य है ये। रेमिडियल टीचिंग क्लास 5 में गणित में शिक्षण योजना 7 पे कार्य होगी जो डे 7 का कार्य होगा। यहाँ येलो कोड पड़ा है, जोड़ के वार्तिक प्रश्न येलो है। प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, तिली बंडल के चित्र के माध्यम से जोड़ का अभ्यास, 2 एवं 3 अंकों के प्रश्नों को देकर अभ्यास एवं आकलन। गणित शिक्षण योजना 4 शिक्षण योजना के अनुसार प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, अंकों में शब्दों में लिखना पढ़ना और कार्यपत्र का विस्तारित रूप पर कार्य होगा। देखिए यहाँ पे एलो है संख्याओं को अंकों एवं शब्दों में लिखना। इंग्लिश में ड्राइंग कंपटीशन में वर्कबुक पर कार्य कराया जाएगा। फिर 4 में रिमेडियल टीचिंग में शिक्षण योजना 4-7 पे कार्य होगा। शिक्षण योजना अनुसार बातचीत, पूछ हिलाने वाला भेड़िया किसले से पढ़ाना है, बच्चों को सुनाएंगे कहानी और उसके बाद कहानी पर बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, चर्चा करेंगे। यहाँ पे एलो है सुनकर कहानियां सुनाना और कहानी के पात्रों के नाम लिखना, ये बच्चों से कार्य करवाना है। फिर क्लास 4 में संस्कृत वाक प्रयोग प्रथम, पाठ का आदर्श वाचन अनुकरण वाचन, बच्चे सही उच्चारण के साथ पाठ पढ़ते हैं। शिक्षण योजना के अनुसार गृह कार्य। सबसे लास्ट में जो नो बैग टैग के दिन का है, 11 तारीख का कार्य है, उस दिन पुस्तकालय से और रीडिंग कॉर्नर से बच्चों को कुछ पढ़ने को देंगे और बच्चे स्वतंत्र पठन करते हैं। इसका एलो है नो बैग डे एक्टिविटी कराएंगे, चाहे आर्ट या क्राफ्ट कोई भी एक एक्टिविटी बच्चों कराएंगे या खेल कराएंगे। ये शिक्षक डायरी यही समाप्त होती है 11 तारीख का। ऐसे ही रेमिडियल टीचिंग की अगर आपको शिक्षक डायरी देखनी है तो मेरे चैनल से जुड़े रहें। अगर आप नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।